महज 150 रुपए में इस जगह से खरीदे गांव का नक्शा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में लोगों की सुविधा के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया। इस स्टॉल पर आने वाले लोग अपने जिले के राजस्व मौजा का नक्शा मात्र 150 रुपए में खरीद सकते हैं। उद्घाटन के अवसर पर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस स्टॉल का उद्देश्य आम नागरिकों को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सेवाओं, योजनाओं और सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। यहां पर लोगों को उनकी जमीन से संबंधित जानकारी दी जा रही है और हर जिले का राजस्व मौजा का नक्शा मामूली कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पहल से भूमि संबंधित समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को अपने जिले के नक्शे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके अलावा इस स्टॉल पर लोगों को अन्य कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन का नक्शा देखना चाहता है तो उसके लिए एक और सुविधा शुरू की गई है। विभाग ने होम डिलीवरी सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत लोग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके अपने घर बैठे ही नक्शा मंगवा सकते हैं। इसके लिए बस वेबसाइट पर डोर स्टेप डिलीवरी आइकन पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरनी होगी। स्टोर पर उपलब्ध नक्शे के बारे में बात करते हुए विभाग ने बताया कि ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जिनकी जमीन से संबंधित कोई समस्या है या जो जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में है। अब लोग बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए अपनी जमीन के नक्शे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ये कदम लोगों की परेशानियों को कम करने में मदद करेगा और भूमि विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये पहल सरकारी सेवाओं को आम जनता के करीब लाने और उन्हें भूमि से जुड़े समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग का ये प्रयास आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपनी जमीन से जुड़े मामलों में आसानी से समाधान पा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। विभाग की योजना आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।